नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं कि कैसे पहली बार जब संयुक्त एक मीटिंग होती है किसानों के बीच, उसमें पहली बार एक फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। यानी किसानों के बीच भी अब जो एक आगे जाने वाली स्थिति है यहां से कि किसान किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उसमें भी अब फूट निकल कर आने लगी है। कहीं कोई आरोप लगा रहा है कि भैया किसी ने 10 करोड़ रुपए ले लिए। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा जा रहा है कि नेताओं को मंच मत दीजिए, क्योंकि देखिए इस किसान आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो एक चीज जो बहुत स्पष्ट रूप से साफ तौर पर सामने निकल कर आई थी और जिसको पूरे देश ने स्वीकार भी किया कि ये सचमुच किसान है, क्योंकि ये किसी को राजनीति का मंच नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद किसान आंदोलन के बीच से जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, जिसमें बात ये कही जा रही थी कि किसान आंदोलन के बीच से खालिस्तान का ट्रैक्टर निकल कर आता है, किसान आंदोलन के बीच से ही वो सारी तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं जो हमें CAA प्रोटेस्ट के दौरान दिखी थी और जिसमें बाद में बहुत सारी ऐसी बातें सामने निकल कर आई कि यार ये सचमुच में क्या देश को बांटने की कोशिश यहां से हो रही है। और फिर उसी तरह की एक तस्वीर किसान आंदोलन के बीच से सामने निकल कर आती है। बाकायदा ISF की तरफ से ये कहा जाता है कि खालिस्तान का झंडा अगर कोई इंडिया गेट पर फहरा दे तो उसको करोड़ों की इनामी राशि दी जाएगी। ये इस तरह की बातें हो रही थी किसान आंदोलन के बीच से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, और इसीलिए अब फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं किसान यूनियन के ही अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष कह रहे हैं कि 10 करोड़ की राशि भी ली गई है। इसके अलावा नेताओं को मंच दिए जा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को मंच दिए जा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बाकायदा उन्हें तो पटका पहनाकर जो है मंच दिया गया और कहा गया कि आप बोलिए, जबकि पहले ये कहा जा रहा था कि इस तरह के जो आंदोलन है इसको राजनीतिक मंच की देने की कोशिश जो भी करेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो अब ये बता रही है कि ये बातें जो सचमुच में वहां पर किसान मौजूद है उनको ये बातें बिल्कुल गवारा नहीं है कि कोई हमारे आंदोलन पर राजनीतिक मंच के रूप में इसे इस्तेमाल करे और फिर अपनी सियासी रोटियां सेके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।